अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद हो कि आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मैं आपके साथ धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, पाए का सालन बनाना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करेगा। चलिए तो फिर हम इस तरह से पाए का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम यहाँ पे अनियन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब अनियन यूज किया हुआ है। मैंने अनियन को वॉश करके अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। अब हम इन्हें लाइट गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, अनियन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसे बाकी के मसाले ऐड करेंगे। जिंगर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने करीब 7 से 8 पीस लिया हुआ है जिंगर गार्लिक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे मसाले में लिया हुआ है 3 टेबल स्पून के करीब। मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया हुआ है 2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया हुआ है 1 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया हुआ है। हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया हुआ है हाफ बॉल के करीब। अब हम सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए सारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है और सारा ऑयल बाहर निकल के आ गया है। चलिए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे पाया लिया हुआ है। चलिए तो फिर हम सारी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे बिप्स के पाए लिए हुए हैं, दो पीस मैंने यहाँ पे लिए हुए थे। मैंने सबको ऐड कर दिया है। चलिए तो फिर हम इन्हें मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है सारे मसाले के साथ और हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और हम इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे कुकर की लिड को बंद कर देंगे। करीब ये बहुत ही अच्छी तरह से 2 घंटे में अच्छी तरह से पाया का सालन गल जाता है और ये खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखिए 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। चलिए तो फिर हम यहाँ पे कुकर की लिड को खोल देते हैं। 2 घंटे हो चुके थे, मैंने यहाँ पे कुकर की लिड को खोल दिया है। चलिए तो फिर हम इसे अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से पाए के सालन को, ग्रेवी को अच्छी तरह से भून देंगे। भूनने के बाद फिर हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप पानी ले लीजिएगा। चलिए तो फिर हम यहाँ पे, सालन बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, हम इसे सर्व देखिए करने यहाँ के पे लिए मैंने निकाल। पाए का सालन बना लिया है। आप इसे नान, कुलचे, रोटी, चावल किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करेगा। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।